गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड अंतर्गत बादीडीह पंचायत में बुधवार की दोपहर प्रवासी मजदूरों का सब्र का बांध उस समय टूट गया जब बादीडीह पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि विजय कुमार ने उन्हें राशन देने से मना करते हुए कहा कि बीडीओ के पास जाओ, तुम्हारा राशन वहीं मिलेगा। जिसके बाद प्रवासी मजदूरों ने उग्र होते हुए पंचायत सचिवालय में हंगामा करना शुरू कर दिया। इस बाबत बताया जाता है कि लॉकडाउन के दौरान आए प्रवासी मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति को 5 किलो राशन मुहैया कराने को कहा गया था, जिसे देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बादीडीह पंचायत में भी राशन मुहैया करवाया गया था। मगर स्थानीय मुख्य प्रतिनिधि विजय यादव द्वारा लिस्ट में उन लोगों का नाम हटाकर अपने शुभ चिंतकों का नाम जोड़ दिया गया है। उसके बाद प्रवासी मजदूरों के द्वारा मुख्य प्रतिनिधि से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं है, इसलिए तुम्हें राशन नहीं दिया जाएगा। मुख्य प्रतिनिधि के इतना कहते ही उनका सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद राशन वितरण को बंद कर दिया गया। मौके पर उपस्थित प्रवासी मजदूरों ने बताया कि मुख्य प्रतिनिधि द्वारा उन लोगों के साथ हमेशा पक्षपात किया जाता है और सरकारी राशियों का गबन किया जाता है, जिससे वे पूरी तरह से परेशान हैं और आज भी जरूरतमंद लोगों को राशन मुहैया कराने की जगह वैसे लोगों को राशन दिया गया जो ना तो बाहर से लौटे थे और ना ही जरूरतमंद थे। बाहर से जब आए थे नहीं तो हम लोग थोड़ा टाइम में कुछ मिला, हम लोग परेशान होकर अपने घर जाना पड़ा। बताइए, हम लोग वहाँ भी 2 महीने से भूखे थे, वहाँ भी मालिक पैसा नहीं दिया और फिर भी हम लोग यहाँ परेशान रहे। बताइए, अभी भी हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। तो आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं है? नहीं है सर, हम लोग सब 10-12 आदमी एक साथ आए हैं, उन लोग 4-5 के हैं, बाकी नहीं है। बताइए, हम लोग कैसे रहेंगे? गरीब आदमी 5-6 बाल बच्चे हम लोग कैसे पाले? एक तो काम भी गया, अगर यहाँ भी काम मांगते वो भी नहीं मिल रहा है। हम अपना फैमिली के साथ में आया है उत्तर प्रदेश से, मुखिया जी के पास में आया है, तो हमारे फैमिली का सभी का लिस्ट में नाम आया है और एक आदमी को दिया जा रहा है। सर, हम सारे परिवार आए एक साथ में, 10 किलो चावल अकेला कैसे खाएंगे? हम खुद बाहर से आए हैं, मुखिया से मिले थे आने समय, उन्होंने हमको सिर्फ एक कपड़ा दिया बांधने लिए, बोला इसको बांध करो, हमको क्वारंटाइन में रखा गया है, ने हमको कभी कुछ दिया है। तो अभी आप लोगों को जो चावल बट रहा है उसमें मिल रहा है कि नहीं? चावल नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अभी हमने आपको चावल मांगे मुखिया से तो बोला वीडियो के पास जाओ, यहाँ हम नहीं देंगे, तो चावल आदमी को वीडियो के पास भेज रहा है। तो अभी मुखिया जी के द्वारा किनको चावल दिया जा रहा है? जो आदमी यहाँ परिचित नहीं है बादीडीह पंचायत का उसको दिया जा रहा है, जो कभी गाँव से बाहर गए नहीं गया उसको भी दिया जा रहा है, लेकिन जो बाहर से आए हैं उसको नहीं दिया जा रहा है। अब पूरे पंचायत को पता लग गया कि यहाँ पे राशन बट रहा है और आप ये जवाब क्या दे रहे हैं कि वीडियो वीडियो मैडम से बात कीजिए। वीडियो मैडम से क्या बात करें, हम लोग इतना दूर से आए और यहाँ दूसरा बात क्वारंटाइन जो पैसा जो मिला था मुख्य फंड में, तो हम लोग मुंबई से जो आए थे तो क्वारंटाइन में हम लोग को नहीं रखा गया, पता भी नहीं चला, और यहाँ का पैसा जो आया था मुख्य फंड में सारा पैसे दपला हो गया। मेरे चाचा का लड़का नहीं है, वो अकेले है, खुद संसार चलाते, लॉकडाउन से बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं। एक बार चावल सिर्फ 10 किलो मिला है, उसके अलावा कुछ नहीं, इसके वो भूखे रह जाए किसी की यही परेशानी है। ना राशन कार्ड है उनके पास और ना ही कोई सुविधा मिल रहा है। क्या वो बाहर से आए हुए थे क्या? हाँ, बाहर से आए, लॉकडाउन के टाइम में आए, हाँ काम करते थे दिल्ली में, और जब से आए बैठे हुए तो उनको खाने का नहीं है ठिकाना।